गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर टाइम की बात करते हो तो 12:15 हो रहा है, 12:15 हो चुका है, सारा काम हो चुका है, डस्टिंग से लेकर के सब कुछ हो चुका है, बट सिर्फ एक चीज़ नहीं हुआ है, वो कि थोड़ी जी के यहाँ से जो आपको कपड़ा आया है वो वैसे ही रखा हुआ है, उसको बस मुझे जगह पकड़ाना है। पापा, जगह पकड़ाना बहुत बड़ा काम होता है, एक एक कपड़े को एक एक वार्डरोब में रखना टफ टास्क, यू नो, बट वो अभी करना है तो वो मैं साड़ लूँगी, उसके बाद करूँगी। आज लेट हो गया है, आज अभी तक साड़ नहीं ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ साड़ लेने के लिए। डेट की अगर आप बात करते हो तो आज है डेट ट्यूसडे, और यस आज ट्यूसडे है। पापा का बॉटल वगैरह सब इस ड्रॉर के अंदर रखा चुका है। तो देखिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, डाइनिंग टेबल एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे मेरा बॉटल रखा हुआ है जिससे मैं पानी पीती हूँ। टारगेट है दिन भर में एटलीस्ट 3.5 लीटर पानी पी लूँ मैं, बट टारगेट अचीव जो है अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मैं 3 लीटर पे अटक गई हुई हूँ, बट मुझे उसे बढ़ाना है। तो सुबह से अगर आप पूछते हो कि सुबह से कितना पी चुकी हूँ पानी, तो 1 लीटर पी चुकी हूँ, बस इतना सा बचा है और अभी पूरा दिन बाकी है। तो मुझे लग रहा है 3 लीटर आराम से मैं पी लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप पूछते हो कि गुड्डू को आज टिफिन में क्या दी हूँ, तो गुड्डू को आज टिफिन में दी हूँ सत्तू पराठा और लिट्टी सोची थी, बट सोची कि लिट्टी थोड़ा ठंडा उतना मज़ा नहीं आएगा गुड्डू को, इसलिए सत्तू पराठा दे दी और साथ में दे दी आलू बड़ी की सब्जी। और अम्मा आई थी, तो अम्मा लेकर के आई थी आलू का अचार और प्याज का अचार। कितने लोगों ने प्याज का अचार खाया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यानी ऑनियन पिकल। कितने लोगों ने कांदा का पिकल खाया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कितने लोगों ने आलू का अचार खाया है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरे भर के बोलिया में पूरा जो कांच का जो जार होता है उसके अंदर पूरा भर के रखा हुआ है। तो गुरुवार मुझे बोले थे थोड़ा सा टिफिन में देने के लिए, तो थोड़ा सा उनको टिफिन में भी दे दी हूँ मैं, और यही कहानी है। अगर आप पूछ रहे हो कि मैं लंच में क्या करूँगी, ब्रेकफास्ट में क्या की हूँ, पहले बता दूँ मैं खुद के लिए और गुड्डू के लिए पोहे बनाई थी। और गुड्डू तो पता ही है आप सबको, कोई नई कहानी तो है नहीं, इतू सा पता, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, उतना तो चिड़िया भी नहीं खाती होगी जितना गुड्डू खाते हैं। न्यू बॉर्न जो चिड़िया होती है ना, करते रहती है ना, वो भी गुड्डू से ज़्यादा खाती है। गुड्डू, माय गॉड, सीरियसली सुबह में क्या ही खाते हैं, मुझे खुद को भी आज तक नहीं पता। इसी बात पे मेरी लड़ाई हो जाती है गुड्डू से। गुड्डू को खाने से ज्यादा खिलाने में बहुत मजा आता है। अगर आप कभी गुड्डू से मिलेंगे और अगर आपको कैसरोल में लगेगा गुड्डू को ऐसा फील हुआ, वैसे मेरी कोशिश होती है, माता अन्नपूर्णा की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है और भगवान की कृपा है कि मैं कभी भी, मेरे घर में अगर मैं खाना मेरा बना होता है ना, उसके बावजूद भी अगर 2 जन आ जाए ना तो खा के जाएंगे, खाली पेट नहीं जाएंगे, इतना खाना बना होता है मेरे घर में। बट बाय चांस अगर गुड्डू को फील हो गया, उसके उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, गुड्डू को फील हो गया कि खाना थोड़ा सा कम लग रहा है, शायद सामने वाले को कम पड़ जाएगा, तो कहेंगे अरे मेरा हो गया, तुम ले लो, आप ले लो, मैं, मेरा हो गया इस टाइम। मतलब खाने से कम खिलाने में मज़ा आता है गुड्डू को, मतलब अपना पेट खाली रह जाए, सामने वाला वाला बंदा जो है वो खा के जाना चाहिए, उसका पेट खाली नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ गुड्डू को कि आपके, आपको बनाने के बाद भगवान है ना फ्रेम तोड़ के फेंक दे, मेरे पति देव को बनाने के बाद और मेरी माता श्री को बनाने के बाद भगवान जी है ना फ्रेम तोड़ के फेंक दिए। इकलौती पीस है माँ मेरी, मतलब सासू माँ होती है प्यार करने वाली, लेकिन मेरी माँ तो पता नहीं किस कैटेगरी की सासू माँ। मैं हमेशा अपनी भाभी को कहती हूँ, पिछले जगह में पता नहीं कौन सा तीर्थ, कौन सा गंगा यमुना आप नहाई हो, तुम नहाई हो जो कि तुम्हें इतनी अच्छी वाली सास मिली है। सीरियसली वही वाली बात है। तो गुड्डू का टिफिन का बना बताती हूँ मैं, डिनर भी बन चुका है मेरा, और डिनर में चावल है, फुल्का है और क्या बोलती हूँ, बैंगन और आलू की सब्जी है, वो खड़ा मसाला डाल करके वो सब्जी बन गई है। तो अभी तक की कहानी यही है। चलिए मिलती हूँ थोड़े देर के बाद। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं सार ले चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुका है। अभी अगर टाइम की बात करते हो तो टाइम हो रहा है
क्लॉक होने जा रहा है, नहाना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। और लंच करने के पहले मैं एक काकरी फुल कट 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 करके खा चुकी हूँ, यानी कि एक काकरी दबा चुकी हूँ मैं। अब मैं एक ग्लास भर के पानी पीऊँ, इतना सा पानी बचा हुआ है, एक बॉटल पानी खत्म हो चुका है, इतना सा पानी बचा हुआ है, मैं पानी रखूँगी पूरा एक ग्लास। अब मैं इसे पी जाऊँगी। मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे छवि दी प्लीज बैठ के पानी पीजिए, बैठ के पानी पीने के लिए मुझे अपना ट्राईपॉड लेके जाना पड़ेगा ड्राइंग रूम में, चेयर खींच के बैठना पड़ेगा। बैठ गए, बड़े सयाने कह के गए हैं खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, पानी ऑलवेज बैठ के पीना चाहिए। खाने के पहले एक ग्लास पानी पीने के क्या फायदे? फायदा नंबर वन, आपका टमी पहले से ही फुल हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा नहीं खा पाओगे। जो आप एक्स्ट्रा दबाते हो ना उससे वेट गेन होता है। और एक राज की बात बताती हूँ, लोग दुबले क्यों हो गए? पति के लिए, प्यार के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए। मैं क्यों दुबली हो गई? हाय, मेरे पति को तो मैं कभी मोटी दिखती ही नहीं। जब भी मैं गुड्डू से पूछ, गुड्डू मैं दुबली मोटी हो गई? नहीं यार, तुम कभी मोटी होती हो क्या? एकदम परफेक्ट हो तुम, गुड्डू का यही डायलॉग होता है। मतलब मैं हाथी हो जाऊँ तब शायद बोले गुड्डू की तुम मोटी हो गई हो। मतलब पूरी दुनिया मुझे कह रही है, मेरी माँ इस बार आके मुझे बोल के गई, छवि यार तुम मोटी हो गई हो। हाँ, तो भी मैं गुड्डू से पूछ, गुड्डू मैं मोटी हो गई हूँ? तुम एकदम इत्मीनान में रहो, जिस दिन तुम मुझे मोटी दिखोगी ना मैं खुद सामने से बोलूँगा। मतलब गुड्डू वेट कर रहे हैं कि मैं हाथी हो जाऊँ, है ना, तभी वो बोलेंगे। लेकिन क्लाइमेक्स में थोड़ा ट्विस्ट है, लोग इनके 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 उनके 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 लिए पतले होते हैं, लेकिन मैं मीशो के लिए पतली हो रही हूँ। मीशो के लिए कुर्बानी दे रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ मीशो के लिए। अब आप देख रहे हैं, बड़ा बहुत बड़ा ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मीशो के लिए क्यों पतली हो रही हूँ? बाबा, मीशो में 6XL 7XL में मुझे 4 5 6 7 8 9 प्रोडक्ट दिखे हैं। नहीं तो मोस्टली मीशो में डबल एक्सेल लास्ट होता है, और अगर मैं डबल एक्सेल में पहुंच गई तब तो मीशो के मैं प्रोडक्ट के रिव्यू कैसे करूंगी, पहनूंगी कैसे? तो मैं मीशो के लिए कुर्बानी दे रही हूँ, मैं मीशो के लिए पतली हो रही हूँ। जय मीशो। चलिए अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। लंच किसमें करूंगी? देखिए ये बाउल है, ये है प्लेट, ये है स्पून। मैं एक बाउल इसमें राइस ले लूंगी, दाल ले लूंगी, और गुड्डू को जैसे मैं बताई थी आलू बड़ी की सब्जी बना के दी हूँ तो आलू मैं नहीं लूंगी, ग्रेवी ले लूंगी। सैलेड में पहले खा चुकी हूँ तो, और रायता मुझे इस समय नहीं खाना है, रायता मैं रात में खाऊंगी। तो अभी मैं लंच वही करने जा रही हूँ, तो लंच लेके आती हूँ फिर बात करते हैं। एक बाउल है दाल, एक बाउल है राइस। अब मैं इन दोनों को करूंगी रीहीट, क्योंकि सुबह सुबह मेरा लंच क्या डिनर बाबा 12 बजते बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं सोचिए 3 बजे से मैं कंटिन्यू 4 चैनल के लिए वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बनाने में 3-4 घंटे, एडिट करने में, फिर थंबनेल बनाने में, मतलब सोचिए पूरा दिन। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, फुलका तक मेरा बन गया है, बस रात में ओवन, बाबा जिंदाबाद, ओवन में गर्म करके करूँगी। और आम बिग बास्केट में देखी हूँ कच्चा नहीं मिला है मुझे, नहीं तो आम की मैं चटनी बना देती गुड्डू को। एक्चुअली कोई भी एक चटनी दे दीजिए, कोई भी एक अचार दे दीजिए, गुड्डू को बहुत अच्छे से खाते हैं तो। बट आम नहीं था, आंवला देखती हूँ, अगर आंवला मिलता है तो आंवला की ही चटनी। खा रही हूँ, आप
सबके साथ इसका रिव्यू करूंगी मैं। अभी मैं इसको टैबलेट को आपको नहीं दिखलाऊंगी इसका नाम क्या है, बट इतने खत्म हो चुके, इतने टैबलेट खा चुके। बराबर गर्म हुआ है, ओवन को कर देती हूँ ऑफ। अब इसमें थोड़ा सा सब्जी डालती हूँ और बैठ के खा लेती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ कब। दोस्तों शाम के 5 o'clock हो रहे हैं, मैं अभी रूम में हूँ। दो चैनल का वीडियो बन चुका है, अभी एडिट नहीं हुआ है बट मैं बना चुकी हूँ दो चैनल का। और अभी मैं थोड़ा सा आ गई हूँ थोड़ा आँख को थोड़ा सा बंद करने के लिए, बट थोड़ा सा आँख को बंद कर ही रही थी कि दिमाग में आ रहा था कि बाबा अगर मैं सो गई 2-3 घंटे के लिए नींद आ गई तो फिर तीसरा चैनल का वीडियो मेरा नहीं बन पाएगा। इसलिए नींद को उड़ाने के लिए आप लोगों के साथ गप्पा कर रही हूँ कि दो चैनल के वीडियो बनाने में ही 5 बज गए हैं। और मुझे लगता है सोर्सबुक ग्लैमर का करने में मुझे, क्योंकि उस सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग अभी करने बाकी ही हैं, फिर उसका वीडियो बनाना, तो फिर मुझे अभी टाइम लग जाएगा। फिर वीडियो बनाऊंगी, फिर सब एक एक कपड़े को धोना भी पड़ेगा मुझे, तो धोऊंगी तो चलो बाद में, कल भी मैं धो लूँगी या रात में भी धो लूँगी मैं। बट प्रॉब्लम है ना, हर एक कपड़े को अलग अलग धोना पड़ता है ना, कौन सा कलर किसका जाएगा पता नहीं चलता ना स्टार्टिंग में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हूँ ढोले पाटिल में और फर्स्ट टाइम मैं अपने दोनों बच्चों के बिना ढोले पाटिल लाई हूँ पनीर रोल खाने के, आलू पनीर रोल। मैं पनीर रोल नहीं खाती हूँ, आलू पनीर रोल खाती हूँ। मैं गुड्डू को कितना भी कही हूँ कि मैं आलू नहीं खाऊंगी मैं रोल नहीं खाऊंगी, मेरे को एकदम इच्छा नहीं हो रही है। बाबा वजन कम करना है, इसी को पति देव कहते हैं। किधर से तुम मोटी हो गई हो यार, जो तुमको वजन कम करना है वजन कम करना है। चल चल तुमको खिला के मैं पनीर रोल लाता हूँ, आलू पनीर रोल लाता हूँ। मैं कह रहे नहीं यार, बिना बच्चों के कब क्या खाऊंगी मैं, मेरे को मन ही नहीं करेगा खाने का। चलो चलो तब तो आज, चलो बच्चों के बिना आज एक दिन आज तुमको मैं बच्चों के बिना खिला के लाता हूँ। अभी आई हूँ, गए हैं पनीर रोल लेने के लिए, आलू पनीर रोल खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। पनीर रोल खा चुकी हूँ, सॉरी बब्स भी आ गया, ओवरलोड हो गया, ओवरलोड बोलते हैं सॉरी, कुछ ज़्यादा ही लगता है वो पनीर, उसके अंदर आलू पनीर ठूस ठूस के डाल दिया था, भयानक। अब मेरे पति देव कहाँ है, तो पति मेरे पेट में तो बाबा थोड़ा भी जगह नहीं बचा हुआ है। लो सर उसमें देखो लिखा हुआ है पीछे स्टिकर, फ्री में प्रचार कर रहा पिटारा वाला जी। अरे तुम एसी ऑन करेंगे, कर रहे हैं 2 मिनट भाई टाइम दूंगी ना। हाँ नहीं टाइम नहीं दूंगी, बहुत गर्मी लग रही है। मतलब बीवी को आलू पनीर रोल खिलाओ और साथ में अपना भी पार्टी करो, मतलब खुद की पार्टी अनटाइमली। मतलब अनटाइमली जो है, मतलब वीकेंड में ड्रिंक लेना होता है, तो वीकेंड में ड्रिंक नहीं, तो वीकेंड के पहले कैसे अलाउ करेगी बीबी ड्रिंक लेने को, कि भैया अभी तो वीकेंड है नहीं, आज तो ट्यूसडे है और आज आप ड्रिंक नहीं ले सकते हो, तो चलो चलो तुमको मैं आलू पनीर रोल खिलाता हूँ। मतलब इसको कहते हैं पति, जो पत्नी प्रेम नहीं है, इसे कहते हैं अपना खुद का प्रेम। जब अपना ड्रिंक लेने का अनटाइमली इच्छा हो, वीकेंड में तो पत्नी अलाउ करेगी लेकिन वीकडेज में तो पति नहीं अलाउ करेगी, पत्नी प्रेम जग जाता है, तो पत्नी प्रेम जगता है। चलो कुछ अभी तुम मेरा दिल मत तोड़ो, मैं तुम्हें आलू पनीर रोल खिलाऊंगा मैं। और अब पत्नी बोल रही है कि अरे बाबा नहीं खाना मुझे, मैं डाइट पर हूँ, मुझे नहीं खाना आलू पनीर रोल। क्या किधर मोटी हो, चलो एक खिला के देता हूँ। कितना प्रेम है, कितना प्रेम, कोई प्रेम नहीं है, अपना ड्रिंक लेना है तो पत्नी प्रेम जग जाता है। अभी बताइए कि आप सब में से कितनों के पति ऐसे करते हैं, अगर ड्रिंक लेते हैं तो, ड्रिंक नहीं लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लेते हैं तो अचानक से पत्नी प्रेम कब कब जगता है उनका। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ ही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।